कोरोना जैसी महामारी से हम सभी को बचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है बहुत ही सराहनीय है। 21 दिनों तक पूरी पूरी इंडिया को लॉकडाउन कर दिया है और आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस लॉकडाउन का पालन करिए, घर में ही रहिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, घर से ही काम करिए। और आप लोगों को इस वीडियो में जो बताने वाले हैं वो आज तक कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताया होगा। दोस्तों, कोरोना वायरस से रिलेटेड जानकारी आप कहाँ से लें, कहाँ पे सही सही जानकारी आपको मिलती है और कौन सा वो टोल फ्री नंबर है जहाँ से कोरोना से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, कौन सा वो व्हाट्सअप नंबर है। जी हाँ, व्हाट्सअप नंबर भी आ चुका है, गवर्नमेंट ने व्हाट्सअप नंबर भी जारी कर दिया है और साथ ही साथ 72 से 75 ऐसे जगह हैं जहाँ पे कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है और देश में बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे कोरोना का इलाज हो रहा है। तो ये चीज़ें कहाँ हो रही हैं, आप कैसे इसको मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा। ये जानकारी सभी के पास होनी चाहिए, ये जानकारी 100% सभी के पास पहुँचेगी, तभी सभी लोग जानेंगे, सभी लोग के पास ये जानकारी पहुँचनी चाहिए। तो शेयर करिएगा सभी तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश सहगल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सहगल। तो चलिए शेयर करते हैं। दोस्तों, यहां पे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहां पे जो फैसला लिया है बहुत ठीक लिया है, बहुत जरूरी था यह फैसला। यहाँ पे दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि कोरोना से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आप कहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारे मोबाइल की स्क्रीन आ रही है और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करिए और आपको बताते हैं कि क्या कुछ करना है जिससे पल पल की जानकारी आपको कोरोना से रिलेटेड मिलती रहेगी। यहाँ पे अगर आप गूगल पे लिखते हैं कोरोना और यहाँ पे कोरोना वायरस लिखते हैं तो गवर्नमेंट की ये वेबसाइट चली आएगी। देखिए, कोरोना वायरस लिखा आपने और गवर्नमेंट की ये वेबसाइट देख सकते हैं आ चुकी है। कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर की जानकारी दी जा रही है और यहाँ पे और भी चीज़ें दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है वो इंग्लिश हिंदी सब में मौजूद है जो कि आप यहाँ पे ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको जानकारी खोजनी पड़ेगी, सारी जानकारी है यहाँ पे, आपको खोजनी पड़ेगी, एक एक जगह टैप करना होगा। और अगर यहीं पे आप दूसरा लिखते हैं covid2019.in जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आप टाइप करते हैं तो आपको कोरोना से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। देख सकते हैं पूरे इंडिया में 536 केसेस हो चुके हैं। दोस्तों, ये केसेस जो कि सरकारी खाते में दर्ज हैं वो केसेस हैं और आप जानते ही हैं सरकारी केसेस में, सरकारी में कितने केसेस दर्ज होते हैं। तो ये आप जान जाइए, 536 केसेस यहाँ दिखाए जा रहे हैं और बहुत गंभीर हो चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो अबाउट में जाइए। यहाँ पे पूरे इंडिया भर में बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे कोरोना का चेकअप किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको गूगल मैप है ये। जी हाँ, ये गूगल मैप है। यहाँ पे ये जो आप डॉट देख रहे हैं, ये जो डॉट आप देख रहे हैं, ये कोरोना वायरस मरीज हैं। जी हाँ, ये हॉस्पिटल है जहाँ पे कोरोना से रिलेटेड इलाज चल रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इतने ये इंडिया में इतने लोग हैं जिनको कोरोना है और यहाँ पे इनका इलाज चल रहा है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप पल पल की जानकारी रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी जा रही है, कितने टोटल केसेस हैं, कितने रिकवर हुए हैं। नीचे आएंगे तो ये देख सकते हैं 57 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे कोरोना का चेकअप किया जा रहा है। जी हाँ, 57। जी हाँ, पूरे इंडिया भर में, भाई इंडिया भर में 57 जगह ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना का चेकअप किया जा रहा है और ये चेकअप आपको 5 घंटे के अंदर रिजल्ट देंगे। जी हाँ, 5 घंटे के अंदर ये रिजल्ट देंगे। बहुत ही कठिन चेकअप होता है, तो इसी वजह से आप घर में रहिए, घर में रहेंगे
तो आपको कोरोना आपके घर नहीं आ सकता है, घर में ही रहिए। और यहाँ पे आपको दिखा दें और भी यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं और कितनी जगह यहाँ पे चल रहा है, जो जो प्लस का निशान है देखिए दिल्ली में है, दिल्ली में हो रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि इटावा में हो रहा है, ये कलकराहा में है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि लखनऊ में है, और यहाँ पे बाकी यहाँ पे मध्य प्रदेश यानी कि मैक्सिमम जो राजधानी है वहाँ पे ये 57 प्लेसेस हैं जहाँ पे ये कोरोना का चेकअप किया जा रहा है। तो यहाँ पे सारी जानकारी है जो कि आप ले सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हम कोरोना से पीड़ित हैं या फिर हमें कोरोना है, 3 जगहों पे अपने सैंपल को आप भेज सकते हैं। जी हाँ, इन जगहों पे अपने सैंपल को भेज सकते हैं और आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। और यहाँ पे इतने जगह जो ऊपर हमने दिखाया था आपको पहला, यहाँ पे कोरोना का इलाज चल रहा है, यहाँ पे कोरोना का इलाज कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं और पल पल की जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो जानकारी आएगी वो 100% ट्रूथ आएगी, 100% सही आएगी। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि अफवाह को बिल्कुल भी मत फैलाइए। जी हाँ, अफवाह तो बिल्कुल भी मत फैलाइए, अफवाह बहुत तेज़ी से फैलता है और अफवाह मत फैलाइएगा। और जो भी आपको लगे कि ये न्यूज आपको आ रही है, उससे पहले आपको जानना है कि ये सच है कि नहीं है, पहले आप गूगल पे चेक करिए, देखिए कि बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियाँ उससे बता रही हैं कि नहीं बता रही हैं। अगर बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियाँ नहीं बता रही हैं, समझ जाइए वो एकदम फेक न्यूज है और उस पर बिल्कुल भी उसे शेयर मत करिएगा, वो फेक न्यूज है। तो इस तरह से आप फेक न्यूज से बचे रहिए, जानकारी लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है। दोस्तों, आने वाले वीडियोज में हम आपको बता रहे हैं कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आपको फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें। जी हाँ, घर से रहकर काम करिए, फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल करिए। और एक वीडियो में आने वाली इसके और वीडियो में आपको बताएंगे कि आप जो है मोबाइल से कैसे ट्रांजैक्शन करें। जी हाँ, अगर आपको ज़रूरत ही पड़ता है घर से बाहर निकलने का, तो कैश का लेन देन बिल्कुल मत करिए, कैश से भी आपको कोरोना आ सकता है, कैश का लेन देन बिल्कुल मत करिए, डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करिए। हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो है डिजिटल पेमेंट का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीदियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो तक। दिस इज आवर चैनल, वंदे मातरम।